डिस्ड कैटेगरी एंड अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी द वे वी कैन कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट दैट इज सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस अब ये एक बहुत रिसेंट फिनना है और ये बड़ा यूनिक किस्म का फिनोमना है रीजन लेट मी गिव यू द परस्पेक्टिव अमूमन ये होता है कि एक कंपनी ने कोई चीज बनाई उसका कोई प्रोडक्ट है एक्स वाई जी है और उसको खरीदने वाले होते हैं कंज्यूमर यानी मैं और आप आ, जो लोग चीजें खरीदते हैं अच्छा अब जो आ, ये वाला फिनमिना है ये उसके रिवर्स एक्चुअली ये फिनमिना ये कह रहा है कि मैं एज अ इंडिविजुअल मेरे पास कोई ऐसी चीज मौजूद है कोई ऐसी सर्विस मौजूद है कोई ऐसी चीज मौजूद है विच आई कैन ऑफर टू द कंपनी विच आई कैन ऑफर बैक टू द बिजनेस दिस इज टोटली ऑपोजिट टू बी टू सी यानी जो बी टू सी में हमने बातें की हैं अगर मैं इसको रिवर्स कर दू ना तो एक्चुअली सी टू बी हो जाएगा यानी वो कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि क्या ये एक्चुअली हो रहा है या अगर हो रहा है तो एक्चुअली ये कैसे हो रहा है सो लेट मी गिव यू लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट देखें इंटरनेट बहुत पुराना नहीं है इंटरनेट समझे पंद्रह बीस साल पुराना है नाइन्टीज़ में आया था जब वो डायल इंटरनेट आता था एंड सो ऑन उससे पहले अखबार अखबारें मौजूद थी जो मीडिया जो टी वी चैनल हैं वो हमारे मुल्क में तो यानी अब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में बहुत बाद में आए हैं लेकिन बाहर की कंट्रीज में बहुत पहले मौजूद थे जो मीडिया होता है ना चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है दैट इज यूनिडायरेक्शनल इसको ना समझने की आप कोशिश करें कि यूनिडायरेक्शन में क्या बोल रहा हूं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीवी देख रहा हूँ या मैं अखबार देख रहा हूँ या अखबार पढ़ रहा हूँ इवन मैगजीन पढ़ रहा हूँ इट इज़ वन वे मैं टीवी चैनल को या अखबार को अखबार के बारे में कुछ नहीं बता सकता यानी टीवी चैनल को जो उनके प्रोग्राम हैं उनका फीडबैक नहीं दे सकता उनके उनके प्रोग्राम की क्वालिटी के बारे में उनके प्रोग्राम के कंटेंट के बारे में या फॉर एग्जांपल अखबार है अखबार में जो न्यूज़ आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है मैं आई कैन नॉट टॉक बैक टू द मीडिया मैं मीडिया से वापस बातचीत नहीं कर सकता यह एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जितनी भी हमारे पास कम्युनिकेशन के मीडियाज हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है प्रिंट like मीडिया है वह यूनिडायरेक्शनल है नाउ ये चीज ये मित आके तोड़ी है इंटरनेट ने वो कैसे जो इंटरनेट है ना इंटरनेट ने एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी फीडबैक इन कॉपोरेशन अब ये सुनने में बहुत इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग लेकिन लेट मी गिव यू वन स्टार्ट देर इज वन कंपनी विद द नेम ऑफ ई कॉमी ई कॉमी का जो कोर बिजनेस है ना वो रन करता है सिंपल मॉडल के ऊपर सिंपल वन मॉडल दैट इज टू गिव द फीडबैक चीजों ने कुछ आ, लोगों ने चीजें परचेज की वो चीजें कैसी थी अखबार भी हो सकती है मैगजीन भी हो सकता है लैपटॉप भी हो सकता है कंप्यूटर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो कैसा था उसकी क्वालिटी क्या थी दे आर प्रोवाइडिंग दिस यूनिक ओनली वन सर्विस एंड दे आर कैप्चरिंग अराउंड एट्टी परसेंट ऑफ द मार्केट इन यूरोप एंड दिस इज द फैक्ट आई एम टेलिंग यू रीजन कोर रीजन जो इंटरनेट है इट लेट यू कम्युनिकेट बैक इट लेट यू गिव योर फीडबैक To the service provider, biggest example अगर आप लोग आपने दिमाग में इसको visualize करें, Elance, Elance is one of the biggest community जहाँ पे मैं as a individual जाके register हो सकता हूँ और मैं companies को ये बता सकता हूँ कि मेरे पास for example Laravel की expertise है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज हैं मेरे पास फॉर एग्जाम्पल डिजाइन की एक्सपर्टीज हैं या मेरे पास लॉ की एक्सपर्टीज हैं ये मैं कंपनीज को ऑफर कर रहा हूं और कंपनी के पास अब ये ऑप्शन आ गई कि दे कैन नाउ सिलेक्ट आउट ऑफ अ लॉट ऑफ गुड रिसोर्सेस इन क्रक्स दिस इज फ्री लांसिंग एक्चुअली जो uh, जो कंज्यूमर टू बिजनेस है वो एक्चुअली फ्री लांसिंग है जो हमें सारी आ, हम डिस्कशन कर रहे हैं सारा प्रमोशन कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान में फ्री लांसिंग का इकोसिस्टम है वो ग्रूम करें ताकि वी वॉन्ट मोर इंटरप्रिनोर्स एक्चुअली ये कंज्यूमर टू बिजनेस वाली चीज जो है ये एक्चुअली फ्री लांसिंग इसको इंडेरेक्टिव फ्री लांसिंग बोलते हैं एंड ई लांस वॉस या इलांस डॉट कॉम वॉस

According टू द टाइम्स और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान में हूं और जो मेरा क्लाइंट है वो यूएस बेस है अब पाकिस्तान और यूएसए के अंदर अगर नौ घंटे का टाइम डिफरेंस है आई कैन एडजस्ट माई टाइमिंग अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में है वो पांच घंटे अगर आगे है तो आई कैन एडजस्ट माई क्लॉक अकॉर्डिंगली सो नाइन टू फाइव से मेरी जान छूट गई दूसरा अब जो मेरे क्लाइंट है वो पोटेंशियली सारी दुनिया है तो एंड लाइक द कंपिटिशन इज तो आई कैन चार्ज फॉर माई सर्विसेस एंड लाइकवाइजनी का बेनिफिट है वो ये है कि दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन सिंगल सर्विस प्रोवाइडर एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर को के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है दे आर दे नाउ हैव अल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स जहां से वो uh, अपनी मर्जी की सर्विस को पिक कर सकते हैं